फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून टू एवरीवन इन क्लास फाइव मैथ्स मैथमेटिक्स टुडे क्लास फाइव मैथ्स पेज नंबर इज 189 ओपन एंड लेसन नंबर 12 मेंटल मैथ्स लेसन 12 एफ हमने आपको पढ़ा दिया है और अब देखना है आपको मेंटल मैथ्स। यहां पर देखिए पेज नंबर 189 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 189 मेंटल मैथ्स। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया बताना है। पिछले वीडियो में यानी कि पिछले लेसन में 12 लेसन में आपको पेरीमीटर और एरिया दोनों के बारे में पढ़ाया गया है, कैसे फाइंड करना है उसका पूरा फार्मूला भी बताया गया है। स्टूडेंट्स इसको सीरियसली आप याद करिए कि अगर जो कोई रेक्टेंगल है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर जो कोई स्क्वायर है तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अगर जो कोई रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर जो कोई स्क्वायर है तो उसका हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। ये पूरा वीडियो आपको पूरे फार्मूलाज बताए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दीजिए और पूरे फार्मूला को लर्न करने की कोशिश करिए, उसको राइट करिए और आपको जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताए गए हैं उसको सॉल्व करिए। उसी के बेस्ड पर आपका मेंटल मैथ्स ये बना हुआ है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसका लेंथ और ब्रथ ये डायमेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर लेंथ ब्रथ का डायमेंशन है। तो आपको मालूम है कि जब भी हम एरिया रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रथ कर देते हैं, यानी लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रथ में कर देते हैं। तो इस तरीके से 5 × 8 = 40 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो जाएगा। चूँकि एरिया है और हमने बताया था आपको कि जब भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो उसका एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो यूनिट पर स्क्वायर हम जरूर लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40 स्क्वायर करके एस क्यू आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, एस क्यू मीन्स स्क्वायर, या पूरा स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर और यहाँ पर सेंटीमीटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या अगर जो सेंटीमीटर लिखते हैं तो ऊपर पावर 2 लगा देते हैं जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको, तो इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एरिया फाइंड करना होगा चाहे वो किसी भी शेप का एरिया हो तो उसमें आपको स्क्वायर में ही फाइंड करना होता है। यूनिट पर किसी यूनिट पर कोई भी यूनिट मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, जो भी यूनिट है उस पर पावर 2 यानी स्क्वायर लगाना जरूरी होता है। उसको हम पढ़ते हैं पहले स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं पढ़ना है आपको, स्क्वायर सेंटीमीटर इसको पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स द सेकेंड क्वेश्चन पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 36। अब यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका पैरीमीटर 36 है तो उसका वन साइड कितना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताया गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो पैरीमीटर, अब स्क्वायर का पैरीमीटर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि 4 × साइड होता है। तो यहाँ हमने लिखा है, इसको देखिए ध्यान से, ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ हमने सॉल्व कर दिया है। पैरीमीटर यहाँ 4 × साइड होता है, स्क्वायर का पैरीमीटर का फार्मूला 4 × साइड होता है। तो 4 × साइड 36 है, आपका ये पैरीमीटर दे रहा है 36। ऑलरेडी 36 इसका पैरीमीटर दिया है, इसमें से वन साइड आपको फाइंड करना है। तो जब वन साइड फाइंड करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ये जो 4 है उससे 36 डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से वन साइड इसका 9 सेंटीमीटर यहाँ आंसर हो जाएगा, जो हमने यहाँ 9 फिलअप किया है 9 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स द रेस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यू हैव टू डू बाय योर ओन। इसको आपको खुद से करना है, खुद से करने की कोशिश करिए, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई हाउ टू फाइंड आउट दिस 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यू हैव टू डू बाय योर ओन। If any problem, then you can ask. So students, in the next video, we will discuss the next question. Thank you.